नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मधुलिका वत्सल आप सबका अल्ट्रा कुकरी पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मसाला चाय बनाएंगे और सबसे पहले हम बनाएंगे मसाला पाउडर, जिसे आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 1/3 कप काली मिर्च, 1 सूखी अदरक का टुकड़ा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ा चम्मच इलायची, 1 बड़ा चम्मच लौंग, साथ ही में 1 फ्रेश अदरक का टुकड़ा, चीनी और चाय पत्ती, साथ ही में हमें दूध लगेगा और पानी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चाय का मसाला बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये सूखी अदरक ली है, इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। इसी में हम दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे और इसे भी तोड़ लेंगे। अब हम पिसी हुई अदरक और दालचीनी के टुकड़े को एक मिक्सर जार में डालेंगे, साथ ही में काली मिर्च, इलायची, लौंग और इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने इस तरह से चाय का मसाला बना के तैयार कर लिया है। अब आप इस मसाले को एक डिब्बे में भरकर साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। इस मसाले को हम किस तरह से चाय में यूज करेंगे, तो चलिए हम इसका रेसिपी आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, हम 2 कप चाय बना रहे हैं। इसके लिए मैंने एक बर्तन गैस पर रखा है और इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे, 2 चम्मच चीनी, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने जो चाय मसाला बनाया था वह मसाला हम इस चाय में डालेंगे, करीब 1/4 चम्मच, क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग और तेज होता है, तो 1/4 चम्मच इनफ है। अब हम इसमें अदरक डालेंगे। अदरक को या तो आप ग्रेट करके डालें या इसको कूट के डाल सकते हैं। अब हम इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से बॉयल होने देंगे। अब हमने जितना पानी लिया था उतना ही हम इसमें दूध डाल रहे हैं और इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। तो फ्रेंड्स, चाय बनकर तैयार है। अब गैस बंद कर देंगे और चाय को छान लेंगे। फ्रेंड्स, मसाला चाय बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कॉर्न पकौड़ा, बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए इनके लिए। 1.5 कप स्वीट कॉर्न, 1/2 कप बारीक कटे हुए प्याज, थोड़े से फ्रेश धनिया, बेसन 1/2 कप, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ही नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और कसी हुई अदरक। सबसे पहले हम स्वीट कॉर्न का 3/4 हिस्सा मिक्सर जार में डालेंगे और इसे पीस लेंगे। अब हम इस पिसे हुए कॉर्न को एक बोल में ट्रांसफर करेंगे। जो हमने कॉर्न के दाने बचाए थे इन्हें भी डाल लेंगे, साथ ही में बारीक कटे हुए प्याज, फ्रेश धनिया, कसी हुई अदरक, बारीक कटी हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पे इसमें बेसन डालेंगे। इस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं, और यदि आपको लगे इसमें ज़रूरत नहीं है तो आप इसमें पानी बिल्कुल ना डालें। हम इसमें 1 या 2 चम्मच पानी डालेंगे और एक गाढ़ा पकौड़े का बैटर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये पकौड़े का बैटर तैयार है। तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है, फ्लेम को हमने हाई पर ही रखा है। अब हम इसके पकौड़े बना लेंगे। तो रैंडमली इसका शेप दें और इस तरह से आप तेल में डालते जाएँ। अब हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। 1 से 2 बार आप इन्हें पलट लें। पकौड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सारे पकौड़े तल लेंगे।
फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी और कुरकुरे कॉर्न पकौड़े बने हैं। इस कुरकुरे कॉर्न पकौड़े को जरूर ट्राई कीजिए और इसे अपनी फैमिली के साथ में जरूर एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स मैं आज आप सबके लिए तीखी चटपटी हरे धनिए की चटनी लेकर आई हूँ, जिसे आप चाट में यूज़ कर सकते हैं और आप घर में खाने के साथ इसे एज अ डिप भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। एक बंच हरे धनिए का, एक बड़ा चम्मच दही, एक चम्मच जीरा, एक इंच अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 तीखी हरी मिर्च, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच काला नमक और एक चम्मच ही नींबू का रस। फ्रेंड्स धनिए की चटनी के लिए सबसे पहले हमें हरा धनिया चाहिए। हरा धनिया मैंने यहाँ पे अच्छे से 3 से 4 पानी से धो लिया है और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इसके स्टेम भी यूज़ करूँगी। इसे बिल्कुल भी ना फेंके, इससे चटनी और भी स्वादिष्ट और फ्लेवरफुल बनती है। तो इस तरह से धनिए को धोने के बाद में हम इसे 2 से 3 बार ऐसे कट लगा लेंगे ताकि इसे जार में भरना ईजी रहे। अब हम इसे एक मिक्सर जार में भर लेंगे। साथ ही में हम तीखी हरी मिर्च डालेंगे, ये बिल्कुल आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अदरक, जीरा, काला नमक, सादा नमक, नींबू का रस और साथ ही में ये फ्रेश दही। फ्रेश दही डालने से चटनी का कलर एकदम ब्राइट ग्रीन हो जाता है। अब हम इसका ढक्कन लगा के इसे पीस लेंगे। ज़रूरत पड़ने पे हम इसमें पानी भी मिला सकते हैं। इसमें आप ज़रूरत के अनुसार पानी मिला सकते हैं ताकि चटनी एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बने। चटपटी हरी धनिए की चटनी तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हरी तीखी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे फ्रिज में 1 हफ्ते तक रख सकते हैं। और इसी तरह की और रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा कुकरी को सब्सक्राइब करें।